तो हे व्हाट्सअप गाइस, क्या हालचाल आप सभी के। आई होप सब ठीक ही होंगे। तो आपके लिए आ गए हैं हम एक और नई जगह पर। तो आपने दिन में तो आपने ज्यादातर देखा ही होगा अपने कुतुब मीनार को, तो आज मैं आपको रात में व्यू दिखाता हूँ कैसा लगता है रात में और किस तरीके का दिखता है और क्या क्या है इसमें, नया कुछ दिखता है कि नहीं दिखता आपको रात में। तो चलो गाइस, अभी आपको मैं लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं, हम जैसे ही अंदर घुसे भाई, कुछ अलग ही नज़ारा दिख रहा है। बिल्कुल व्यू अलग ही लग रहा है यहाँ पर आने के बाद। आप दिन में तो काफ़ी बार आए होंगे अपने फ्रेंड और फैमिलीज़ के साथ, पर जो रात का नज़ारा है ना, कुछ अलग लग रहा है। अभी ये G20 के तहत चालू किया गया है। जब से G20 चालू हुआ ना, तब से ये चालू की गई है, आप देख सकते हैं। और मेन चीज़ अभी आपको दिखाता हूँ, दिल्ली की जान बान शान अपना कुतुब मीनार, ये देख सकते हैं क्या बेहतरीन लग रहा है यहाँ पर आके गाइस, एक नंबर लग रहा है देखने में। और जो कि इसकी व्यू देख सकते हैं आप, कितना तो बेहतरीन लग रहा है। अभी अंदर भी लेके चलता हूँ, वहाँ पर अभी दिखाता हूँ आपको। अभी मतलब काफ़ी लोगों को पता नहीं है इस बारे में कि रात में भी यहाँ पर चालू हो गया है अपना। वही 40 रुपये टिकट है अपने इंडियंस का, और फॉरनर्स का तो अलग ही है, पर फॉरनर्स तो यहाँ कम ही आते हैं रात में, तो आते नहीं है। टूरिस्ट हैं यहाँ पर आने वाले सारे, तो वो दिन के टाइम भी प्रेफर करते हैं आना, उन लोगों को पता ही नहीं रात के बारे में। अब ये चालू हो गया रात में खुलना, तो मैं रात में पहली बार आया हूँ, और जो देखने में मज़ा आ रहा है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं भी सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ और बिल्कुल पास लेके चलता हूँ वहाँ पर से, आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। ये देख सकते हैं आप, लाइटिंग वाइटिंग क्या बेहतरीन हो रखी है, और काफ़ी लोग आ रखे हैं बीवी भाई फैमिली वैमिली के साथ। और ये देखिए आप नज़ारा देख रहे हैं कैसा लग रहा है भाई, एकदम मज़ा सा आ जा रहा है देख के इसे। तो जैसा कि गाइस देख सकते हो, ये कुछ इसके बारे में हिस्ट्री लिखी हुई है, अगर मैं पढ़ूंगा ना तो वीडियो भाई बहुत लंबी हो जाएगी, तो जिसको पढ़ना हो वो रोक के पढ़ ले इसे। देखिए गाइस कितना बेहतरीन लग रहा है, देख सकते हैं आप। ये देखो नीचे से दिखाता हूँ, बिल्कुल ओ क्या नज़ारा है भाई, बिल्कुल बगल में चांद भी है इसके, और खूबसूरत से कहते हैं ना खूबसूरत, वो चीज़ है। और काफ़ी फैमिली वैमिली आ रखी है भाई, देख सकते हो आप। तो यहाँ पर आए क्या व्यू है यार भाई, इसके नीचे खड़ा होकर मैं काफ़ी छोटा लग रहा हूँ। और ये भाई कितनी ऊंची इमारत है भाई, दिल्ली की शान है। कितना ही बेहतरीन लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में, जो काफ़ी अच्छा है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी भाई, क्या मैं बताऊँ। और ये देखो कितना व्यू, देखो यार क्या बेहतरीन सा लग रहा है, बिल्कुल ऐसे अंदर से भी देखो। इसमें तो आप आए ही होगे, अगर आए होगे तो यहाँ पे फोटो वोटो क्लिक की ही होगी आपने, तो कुछ अंदर से भी ऐसा दिखता है, ये अच्छा लग रहा है यार काफ़ी। और पूरे में सजा रखा है बिल्कुल, रात में भी चालू कर देगी, ये चीज़ काफ़ी अच्छी हो गई है पहले के मुकाबले, अच्छा लग रहा है देखने में यहाँ पर। हाँ अगर आपको रात में आना है अपनी फैमिलीज के साथ, तो आओ, पिकनिक स्पॉट्स बहुत बढ़िया है, आप घूम सकते हो फैमिली कप। अभी इस टाइम पे तो मुझे ज़्यादातर कपल्स ही दिख रहे हैं यहाँ पर, बाकी थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी फैमिलीज दिख रही है, बाकी और तो कुछ ज़्यादा लोग हैं नहीं यहाँ टूरिस्ट, क्योंकि रात में तो आएंगे नहीं, बाकी ऐसा लगता है यार देखने में। आओ और घूमो भाई, अच्छा लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि कम लोग आते हैं, अभी पता नहीं है लोगों को, तो भीड़ कम होती है, और अगर रात में आते हो तो आप धूप से बचोगे, ये भी एक चीज़ है, गर्मी से बचोगे, इस टाइम आओगे तो मज़ा है। कितना बेहतरीन लग रहा है देख रहे हो, क्या ही मज़ा आ रहा है भाई, अच्छा कर दिया है बहुत ज़्यादा। रात में आने के लिए भाई वर्थ इट है, 40 रुपये में कुछ नहीं जाता, और ऑनलाइन टिकट भी आप निकाल सकते हो घर बैठे बैठे, एक वेबसाइट होती है इनकी उससे। तो इधर आओ, इधर दिखाता हूँ, जबरदस्त व्यू है यार, फोटो शूट भी नाइट में भाई गजब की हो जाएगी यहाँ आपकी। आओ अपने फैमिली फ्रेंड दोस्त यार किसी के साथ भी आओ भाई, मजे लो यहाँ पे आके यार। 9:30 बजे तक खुलता है, टिकट में लिखा रहता है सब कुछ, तो अपना आओ 5 बजे समथिंग, 6 बजे समथिंग लाइट चालू हो जाती है। बढ़िया लग रहा है,
गाइस ये देख लीजिए, शो भी दिखाते हैं इस टाइम पर, शो चालू हो गया है, आपको दिख रहा होगा यार, अद्भुत व्यू है ये। कितना बेहतरीन लग रहा है ये शो यार, सच में सुकून सा लग रहा है भाई, भीड़ भड़क का नहीं है ना रात में, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। शो देखिए आके 40 रुपए में पूरे पूरे मजे उठाइए। शो आपको दिखाया वो इन प्रोजेक्टरों से आ रहा है यहाँ पर, और एक वहाँ दिख रहा होगा, मतलब चारों तरफ प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, ये उससे व्यू आ रहा है आपका, कितना बेहतरीन लग रहा है, आप देख सकते हो पूरा पूरा शो मैंने देखा है यहाँ रुक के, और कितना बढ़िया लग रहा है। और कुछ यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है जो कि भाई बनाया जा रहा है अभी, तो अभी और भी अच्छा होने वाला है ये, कुछ दिनों में आओ और मजे लो यहाँ आके भाई, बहुत बेहतरीन लग रहा है देखने में, देख सकते हो। तो जैसा कि देखो गाइस ये शो चल रहा है ना, तो देखो आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे यहाँ सोए हुए लेटे हुए, लेट के देखने में भी कुछ अलग मजा है, आप लेट के भी देख सकते हैं, सो के भी देख सकते हैं, और देखो काफ़ी लोग देख रहे हैं, पूरे शो का इंजॉय ले रहे हैं, तो आप भी आओ और देखो मजे लो भाई बिल्कुल यहाँ पर। देख सकते हैं यार गेट इसका, पहले इसमें जाने देते थे, कुछ हादसे हो गए तो अब नहीं जाने देते, और रात में भी बंद ही रहता है, दिन में तो रहता ही है, तो फिर रात में भी रहता है ये, तो ये गेट है इसका और अब जाने नहीं देते अंदर, साफ सफाई करने वाले बस घुसते हैं इसके अंदर, और कितना बेहतरीन लग रहा है देख सकते हो आप। तो गाइस यहीं तक की वीडियो थी, कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी बताएं कि कैसी वीडियो थी और नेक्स्ट वीडियो कहाँ की बनाएं।